सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज निमिषा बंसल एंड आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश इन दिस बैच. इस बैच में इंग्लिश मैं आपको पढ़ा रही होंगी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बैच से रिगार्डिंग या फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि इस ईयर हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं. हमारे पास SBI PO आया था, हमारे पास LIC AAO आया, अब हमारे पास LIC ADO है, हमारे पास EPFO है. मतलब हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं. अगर मैं LIC ADO और EPFO की वैकेंसीज को देखूं तो 8000 से ऊपर वैकेंसीज हमारे पास हैं. तो गवर्नमेंट ने तो हमें बहुत सारी वैकेंसीज दे दी हैं, अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम यही है कि हमें उन वैकेंसीज को यूटिलाइज़ करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है, हमें अपना मेहनत का लेवल इतना अच्छा कर लेना है कि इस बार का एग्ज़ाम हम हर हालत में क्लियर करके रहें. और उसी चीज़ को हेल्प करने के लिए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम ये बैच आप लोगों के लिए लाए हैं जिसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे. आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश. ग्रामर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स में, वोकैबुलरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स में, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो पैरा जंबल्स हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो मैच द कॉलम्स हो, जितने भी तरह के क्वेश्चंस ऐसे एग्ज़ाम्स में आते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इस कंप्लीट बैच में करने वाले हैं. तो ये बैच आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम की बहुत सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में आप हल्का सा भी वीक हैं, या इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते कि हमारा किसी भी गलती की वजह से ये एग्ज़ाम मिस हो जाए, तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैच. आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए. दोनों एग्ज़ाम्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी. हम आपको बहुत पढ़ाएंगे, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, सॉल्व कैसे करते हैं. आपका हार्डवर्क है, आपकी मेहनत है, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड आपको ये एग्ज़ाम हम सभी को क्लियर करके दिखाना है. सो इस बैच में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो हमारे इंग्लिश सेक्शन में, LIC ADO में और EPFO में आती हैं या आ सकती हैं इस बार के एग्ज़ाम में. बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, और जैसे ही आपको, आप इस बैच को अभी परचेज कर लें, आपको सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी. अगर आपकी किसी दिन लाइव क्लास चली जाती है, आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास 6 महीने तक रहने वाली हैं. तो आप कभी भी किसी भी टाइम उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं. आपकी ये क्लासेस मोबाइल फ़ोन पे भी चलेंगी, आप मोबाइल फ़ोन पे भी इन क्लासेस को देख सकते हैं. और इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको ये जो इंग्लिश है इस आगे के सारे एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करने वाली है. चाहे वो IBPS का एग्ज़ाम हो जो पी और क्लर्क आएगा, चाहे वो RRB का मेंस का एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी आपको बहुत ज़्यादा इन क्लासेस को लेके हेल्प होगी. तो अगर आपको एक फोकस्ड वे में तैयारी करनी है, एकदम सीरियस वे में तैयारी करनी है, देन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. यू हैव टू गेट एनरोल्ड. आपको अपने आप को इनमें एनरोल करवाना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दी क्लासेस. आप क्लासेस लेंगे, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, और हम लोगों की जो मेहनत होगी वो साथ में आपको सिलेक्शन दिलवाएगी. बट अल्टीमेटली द लास्ट थिंग इज व्हाट इट विल बी, आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी ही करनी पड़ेगी. वी विल टेल यू द वे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको पूरा का पूरा गाइडेंस देंगे, आपको पूरा का पूरा बताएंगे क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस को करते हैं. एक टॉपिक, एक छोटे से छोटा टॉपिक, एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प की जाएगी. मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं मेरे. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ कि जब तक सारे बच्चों को समझ में नहीं आ जाती कोई चीज़, मैं आगे नहीं बढ़ती. मेरा सबसे पहला फोकस यही रहता है कि हर बच्चे को समझ में आए जो मैं पढ़ा रही हूँ. दूसरा फोकस ये रहता है कि आपको जब मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के, आप उन क्वेश्चंस को एकदम सही करें, और जितना भी मैंने होमवर्क दिया है वो आपको पूरा का पूरा अगली क्लास से पहले करके लाएँ. सो ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, आप सभी को हम बैच में मिलेंगे. EPFO का बैच का टाइमिंग 1 बजे से 2 बजे है. मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होंगी, हम आपको वहाँ पे मिलेंगे. ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड एकदम जम के इस बार तैयारी करनी है, और इस बार साल के ईयर के एंड तक आपको जॉब लेके ही लेके रहनी है. थैंक यू.